ये आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न का उत्तर इस शिविर में दिया जा रहा है। प्रश्न आया है कि स्वप्न में गणेश देवता का दर्शन किया गया, स्वप्न की जो दुनिया है उस दुनिया में जब कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता का दर्शन करता है तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से देवता के हंसी खुशी या नाराजगी पर निर्भर करती है। अभी प्रश्न आया कि हमने गणेश देवता को स्वप्न में दर्शन किया है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो उत्तर दे रहा हूं, आप समझेंगे। यदि आप गणेश देवता को प्रसन्न मुद्रा में देखे या नाराज की मुद्रा में देखे, युद्ध की स्थिति में देखे या आपकी रक्षा वे कर रहे थे, ये सारे प्रश्न अलग-अलग आ जाते हैं। तो मोटे तौर पर जो विचार किया जाता है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। इससे पहले आप हमें आपको ये जानना होगा कि जब हम कभी किसी भी देवी देवता का दर्शन करते हैं और देवता हमें प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, शुभ होता है। और यदि उनके चेहरे पर कोई क्रोध हो, किसी भी तरह की नाराजगी झलक रही हो तो फल खराब होता है। आइए गणेश देवता के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। गणेश देवता ही एक ऐसे देवता हैं जो विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। यानी गणेश देवता विघ्न हरण करने वाले भी हैं और विघ्न देने वाले भी हैं। तो आपने गणेश देवता का जो दर्शन किया है उसमें सबसे पहले हमें आपको यह जानना होगा कि गणेश देवता क्या आपके सामने प्रकट हुए थे? अगर प्रकट हुए तो आपको बरद हस्त किए कि नहीं? अगर वे आपको देखते हुए बरद हस्त किए हैं तो निश्चित रूप से जीवन में यह शुभ संकेत है। इसमें आपको धन का आगमन, समस्याओं का समाधान मिलना, विघ्न बाधा का हरण होना, जीवन में मंगलमयता की प्राप्ति का होना और जिस समस्या से आप विगत लंबे समय से जूझते चले आ रहे हैं उनका समाधान हो जाना होता है। तो गणेश देवता यदि आपको प्रसन्न मुद्रा में वरदान दिए हैं या आशीष का हाथ उठाए हो तो आपका कल्याण होगा। अगर आपने उनकी मूर्ति का दर्शन किया है तो वह भी कल्याणकारी होता है। अर्थात आप जिस कार्य को कर रहे हैं, प्रयास जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उसमें सफलता की प्राप्ति आपकी होगी। और गणेश देवता यदि नृत्य कर रहे हो, नाचते हैं, भगवान शिव भी नर्तक हैं, नटराज हैं, तो गणेश देवता भी नाचते हैं। अगर गणेश देवता को आप नृत्य करते देखे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो मानसिक तनाव है वह मिटने वाला है। और यदि गणेश देवता को उनके वाहन के साथ देखे हैं आप, उनका वाहन क्या है? चूहा। तो अगर आप चूहा के साथ उनको देखे हैं तो निश्चित आपका एक अच्छा सहयोगी मिलने जा रहा है। आपको ऐसा सहयोगी की प्राप्ति होने जा रही है कि आपके जीवन में एक नया अच्छा मोड़ पैदा कर देगा और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। जो बाधाएं आपको घेर रही थी, जो विपदाएं आ चुकी हैं वो समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। अगर गणेश देवता को आप युद्ध करते देख रहे हैं, युद्ध करते देख रहे हैं तो इसमें दो बातें हैं। यदि आपकी रक्षा के लिए वे युद्ध कर रहे हैं तो आपका कल्याण है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यदि वे किसी दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, वहां आप मौजूद हैं और उस समय आप गणेश देवता का नाम स्मरण नहीं किया है तो
यहाँ थोड़ा सा कष्ट होगा, संकट की बात होती है, या फिर आप गणेश देवता का वो मूर्ति जो देख रहे हैं, वो हम मूर्ति अगर खंडित है, टूटा फूटा है, कहीं खंडहर में पड़ा हुआ है, या फिर गणेश देवता की मूर्ति का प्रवाहित किया जा रहा है नदी में, तालाब में इत्यादि, तो ये संकट आने का संकेत है। तो ऐसी दशा में फिर क्या करना होगा? गणेश देवता की आराधना करना होता है, और गणेश देवता की आराधना के लिए उनकी मूर्ति पर, जहां शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में गणेश देवता की मूर्ति होती है, तो उस गणेश देवता के मूर्ति के माथे पर दुर्वा चढ़ाना होता है, दूब। अगर गणेश देवता के माथे पर दुर्वा चढ़ा रहे हैं तो आपके संकट का समाधान होता चला जाएगा, उसका निवारण होता चला जाएगा, और जीवन में मंगलमयता का संचार होगा। तो गणेश देवता का दर्शन शुभ माना जाता है, लेकिन उनको युद्ध करते देखना, या क्रोध की स्थिति में देखना, या फिर खंडित मूर्ति का देखना, ये विघ्न देने वाला है, आपको संकट देने वाला है। तो यही उत्तर रहा, और अगर इस पर और कोई प्रश्न हो तो आप हमें फिर अगले शिविर में कहेंगे, मैं फिर से उत्तर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? गणेश भगवान की जयकारा कर देंगे।